जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। दिनांक 13 अगस्त 2024 को जोधपुर हाई कोर्ट ने संत आशाराम जी बापू को माधवबाग खोपोली में आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने के लिए पुलिस कस्टडी और जाप्ते खर्च के साथ 7 दिन की इमरजेंसी पैरोल दी, क्योंकि संत आशाराम जी बापू को हार्ट संबंधित गंभीर समस्या है। इसको लेकर माननीय कोर्ट ने उनको इलाज कराने के लिए पुलिस कस्टडी और जाप्ते खर्च के साथ 7 दिन की इमरजेंसी पैरोल दी है। इसको लेकर भोजपुरी गायिका और कवियत्री नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो डालकर एक्स पर पोस्ट किया और राम रहीम और संत आसाराम जी बापू को पैरोल मिलने पर उठाए सवाल। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी ने भोजपुरी गायिका और कवियत्री नेहा सिंह राठौर को एक्स के जरिए जवाब दिया कि आशाराम बापू के केस के तथ्यों और पैरोल से जुड़ी ऑर्डर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। बिना तथ्य को जाने अपनी राजनीति सेकने के लिए आपने बहुत ही गलत ट्वीट आशाराम बापू के केस के पैरोल ऑर्डर पर किया है। आपके इस गलत और मिसलीडिंग ट्वीट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। भोजपुरी गायिका और कवियत्री नेहा सिंह राठौर को यह नहीं पता कि संत आशाराम जी बापू को जो पैरोल मिली है वह जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा मिली है और उनको हार्ट संबंधित गंभीर समस्या है। इसको देखते हुए माननीय कोर्ट ने उनको इलाज कराने के लिए पुलिस कस्टडी और जाप्ते खर्च के साथ 7 दिन की इमरजेंसी पैरोल दी है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।